नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। बीते कुछ दिन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लगातार मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को नज़र आया है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में जो है बर्फबारी के साथ साथ जो है बारिश भी जो है उसने आम जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा था, और जिस तरह से अब मौसम खिला है आने वाले 10 दिन तक मौसम का क्या रहेगा हाल, जानते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद से कि क्या कुछ आने वाले 10 दिन के मौसम के बारे में वो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। हेलो हेलो सर, नीतू सिंह बोल रही हूँ ग्रेटर जम्मू से। जी 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 सर, आपसे जानना था कि आने वाले 10 दिन में जम्मू कश्मीर के मौसम का क्या रहेगा हाल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं लगातार जो है बर्फबारी और बारिश पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी एक स्पेल खासकर बारिशों का और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का हुआ है, और कमिंग डेज में भी मौसम अभी आज खासकर बाद दोपहर जो है हल्की बारिशें हो सकती हैं कुछ एक जगहों के अंदर, खासकर वैली के अंदर और जम्मू के कुछ एक पहाड़ी इलाके, खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन और एडजॉइनिंग डोडा किश्तवाड़ और यहाँ भद्रवाह बटोर साइड में। तो मौसम अब कल से जो है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, और मौसम के लगभग अभी 5 तक अमूमन ड्राई है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। खासकर लेट आफ्टरनून में थोड़ा थंडर शावर एक्टिविटी हो सकता है लोकल कनेक्शन के कारण, बाकी कोई मेजर स्पेल या मेजर बारिशें नहीं है फिलहाल। 6-7 के बीच में भी थोड़ा सा क्लाउडी रह सकता है, कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें होंगे, बाकी कोई मेजर वेदर एक्टिविटी के चांसेस नहीं है लगभग अगले एक हफ्ते तक, खासकर 1 मई से लेकर 6-7 मई तक। तो ओवरऑल जो है वेदर अब बेहतर हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। जी सर, अमूमन बात की जाए तो इन दिनों में बारिश इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो क्या कारण मानते हैं कि इस समय जो वेदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रही है उसके पीछे? जी देखो अभी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही होता है यहाँ पे बारिशें, और पिछले कई सालों से थोड़ा बारिशें उस हिसाब से हुई नहीं जिस हिसाब से होना चाहिए या जो यहाँ का मौसम रहता है क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से, तो वैसा मौसम पिछले 4-5 कई सालों से नहीं हो रहा था। तो इस साल जो एक्चुअल में जो वेदर यहाँ रहता है वो हुआ है बारिशें वगैरह, तो बारिशें भी उसी हिसाब से हुई है जो इससे पहले हुआ करता था खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर। तो सर इस आने वाले 10 दिन तक तापमान की क्या रहेगी और कितना तापमान जो है उसमें गिरावट या बढ़ोतरी देखने को नजर आएगी? जी 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 अभी खासकर वैली के अंदर आप टेम्परेचर जो है थोड़ा सा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा कल से, थोड़ा अबर आलू आज भी बना हुआ है, आज भी थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होने के चांसेस हैं। बाकी जम्मू रीजन के अंदर ड्यूरिंग नेक्स्ट कपल ऑफ डेज जो है थोड़ा सा 1-2 दिन राहत मिलेगा, फिर उसके बाद टेम्परेचर जो है आप राइज होना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल 6-7 मई तक ऐसे कोई हीट वेव या हीट वेव लाइक सिचुएशन नहीं है, तो टेम्परेचर नॉर्मल से ऑलमोस्ट 1-2 डिग्री थोड़ा ऊपर रह सकता है कमिंग डेज में, खासकर जम्मू रीजन के अंदर जो जम्मू के मैदानी इलाके हैं। सर कुछ एडवाइजरी हमारे जो लोग हैं जो जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू की ओर आते हैं चाहते हैं? जी बिल्कुल, अभी देखो एक तो सीजन है फसल कटाई का, खासकर जम्मू रीजन के अंदर जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे जो वीट वगैरह है उसको अभी काटा जाता है, तो अभी ड्यूरिंग नेक्स्ट कपल ऑफ डेज मौसम बिल्कुल ठीक है तो वो हार्वेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी यहाँ वैली के अंदर भी जो फार्मर्स हैं वो ऑर्चर्ड्स में स्प्रे वगैरह करते हैं वो भी जो है कल से रिज्यूम कर सकते हैं अगले 1-2 दिन के अंदर। थोड़ा सा रुकना ठीक है क्योंकि काफी ज्यादा बारिशों के कारण काफी बारिश जो है जमा हुआ है, वाटर स्टैग्नेशन कंडीशन जो है बना हुआ है खेतों के अंदर। बाकी जो ट्रैवल करते हैं वो जब भी इंक्लेमेंट वेदर हो ट्रैवल बिल्कुल भी ना करें, और ट्रैवल करने से पहले वेदर एडवाइजरी, ट्रैफिक एडवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडवाइजरी है उसको पूरी तरह पालन करें, और हाईवे स्टेटस जरूर जाने जब आप ट्रैवल करते हो। जी शुक्रिया सर हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने सुना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने हमें बताया है कि 5 से 7 मई तक मौसम जो है फिर से एक बार जो है नासाज हो सकता है, यानी कि बर्फबारी के साथ साथ आपको हल्की फुल्की बारिश भी जो है वो देखने को नज़र आएगी, और ऐसे में तापमान में जो है गिरावट हल्की फुल्की भी होगी। और अगर एडवाइजरी की बात करें तो उनका ये कहना था कि जो लोग श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर की ओर आ या जा रहे हैं उन्हें जब भी वो बाहर निकले रास्ता जो सफ़र तय करने के लिए तब जो है एडवाइजरी, ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर ले लें। इस तरह के वेदर अपडेट के लिए जुड़ रही है ग्रेटर जम्मू के साथ, कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।